क्लास 8 विषय बेटा आपका है हिंदी फर्स्ट, और बेटा सब्जेक्ट टीचर को नाम पता है बेटा आपको सभी को, अनिल सर। चैप्टर बेटा इसका हम आपको हिंदी फर्स्ट का सेकंड पढ़ाने जा रहा हूँ, और इसका बेटा पाठ का नाम है आपका परिश्रम का महत्व। और आप लोग बेटा इसके जो शब्द अर्थ दिए गए हैं और इस अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें और याद कर लें, तभी आप पाठ को अच्छे से समझ पाएंगे। पेज संख्या देखें बेटा इसका 12, और उसके नीचे का लास्ट पैराग्राफ देखें। यह कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है, तुम सब जानते हो कि छोटा सा बीज जब मिट्टी में दबा दिया जाता है तो उससे अंकुर फूटते हैं, अंकुर से डाली, डाली से पत्ते उगाते हैं, धीरे धीरे वह पेड़ इतना बड़ा हो जाता है कि अन्य वृक्षों का स्थान भी घेरने लगता है, फिर उस पर फल लगते हैं। यही दशा परिश्रम की है, विद्यार्थी यश रूपी फल की प्राप्ति परिश्रम रूपी बीज से ही कर सकते हैं। अपने आप ना तो वृक्ष से फल पैदा होते और ना ही यश, उनके पीछे अवश्य ही कोई ना कोई कारण छिपा रहता है। किसी भी कार्य में सफलता अपने आप नहीं मिलती, उसके पीछे परिश्रम तथा कर्म उपस्थित रहता है। प्रत्येक कार्य में सफलता की प्राप्ति के लिए कोई गुप्त मंत्र नहीं है, बल्कि एक खुला मंत्र है। इसके विषय में जितना भी कहा जाए थोड़ा है। विद्यार्थियों आओ सबसे पहले अपने ही चारों तरफ की प्रकृति से प्रेरणा लें। हम पशु पक्षियों तथा वस्तुओं में भी पुरुषार्थ का अंश देखते हैं। मधुमक्खी प्रत्येक फूल पर जा जाकर ही मधु प्राप्त करती है, मधुमेह शहद। चमकता हुआ सूर्य, जगमगाता हुआ चांद, टिमटिमाते तारे तथा अपने ही कील पर घूमती हुई गोल पृथ्वी, ये एक दूसरे के इर्द गिर्द मतलब चारों ओर निरंतर अनुशासन में चक्कर काट रहे हैं। सदा गूंजते हुए झरने, सरसराती हुई पवन, ये सभी एक ही संदेश दे रहे हैं, उद्योग करो, उद्योग करो। अर्थात मेहनत परिश्रम। जलता हुआ दीपक संसार को आलोकित कर रहा है। यदि तुम अपने को मेहनत से बचाओगे तो तुम मुर्दे के समान ज्ञान से रहे तथा सुख से वंचित हो जाओगे। जरा अपनी दृष्टि उस सड़ते हुए तालाब और बहती हुई निर्मल धारा पर तो डालो। एक ओर गुनगुनाती हुई स्वच्छ और सुंदर जल धारा हंसती खेलती बहती जाती है, उसका जल पीने योग्य तथा आकर्षक है, तथा दूसरी तरफ तालाब का रुका हुआ जल है जिसमें सड़ान तथा गंदगी भरी पड़ी है। विद्यार्थी यदि तुम श्रेष्ठ यशस्वी तथा ज्ञानी बनना चाहते हो तो आओ इस जल प्रकृति से ही प्रेरणा लो। तुम इस निर्मल नदी के जल प्रवाह की तरह कर्मशील बनो, डटे रहो, एक क्षण भी हटो नहीं, कदमों को आगे बढ़ाते चलो, ध्रुव की तरह अडिग रहो। तब ऐसा कोई कारण नहीं है कि तुम अपने जीवन में महान ना बन सको। शेष बेटा आपको हम कल पढ़ाएंगे, आप इसके आगे का भाग आप स्वयं पढ़ेंगे घर पर। ओके।